रोहतास के करहागर विधानसभा क्षेत्र की जनता का कहना है कि हम लोगों ने विकास के लिए नीतीश कुमार को सरकार बनाए थे, इसी वजह से उनकी पार्टी से वशिष्ठ सिंह को जिताया गया था, लेकिन जीतने के बाद वशिष्ठ सिंह ने ना तो गांव में झांकने आए और ना ही विकास किया। रोहतास जिले के करहागर विधानसभा क्षेत्र के कपसिया पंचायत के ग्राम मनपुरा टोला के जनता का कहना है कि नीतीश सरकार को हम लोग विकास करने के लिए सरकार बनाए हुए थे, इसी वजह से उनके पार्टी से वशिष्ठ सिंह चुनाव लड़ रहे थे, हम लोग उनको जिताए ताकि हमारे गांव का विकास हो। जीतने के बाद वशिष्ठ सिंह हमारे गांव की तरफ झांकने तक भी नहीं आए और न ही हमारे गांव का एक भी विकास नहीं किए हैं। हमारे गांव की रोड से आने जाने में बहुत ही कठिनाई होती है, बरसात के दिनों में किसी तरह हम लोग कीचड़ में हेल कर आते जाते हैं, इसलिए अब की बार हम लोग सरकार बदलना चाहते हैं ताकि हमारे गाँव का विकास हो। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। बताओ आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम सुरेंद्र सिंह पड़ेगा जी। बताइए अभी यहाँ पर जो विधायक वर्तमान रह चुके हैं वो आपके क्षेत्र में क्या विकास किए हैं? हमारे क्षेत्र में हमारे जो प्रेजेंट विधायक हैं वो कुछ भी नहीं किए हैं, अपना काम नहीं किए, हवाई घोड़ा रिक्शा है, कागजी घोड़ा उड़ा करके समझ के सब कुछ कर दिए हैं, घूमने और मिलने के लिए भी नहीं आते हैं। तो जो यहाँ का नीतीश सरकार जो है वो क्या विकास किया है? नीतीश सरकार जो है हमारे प्रवासी बिहार से फंसे हुए थे उस समय, सारी दुनिया समझती है पेपर पत्रिका क्या बता रहा था, वो क्या चाह रहे थे। हमारा लड़का फंसा है विदेश में, बिहार के प्रवासी लोग फंसे हैं बिहार में, हर स्टेट का अपना समझिए कि दे दिया साधन और अपने यहाँ बुला लिया, ये डिनाई कर गए कि हमको यहाँ प्रवासियों की जरूरत नहीं है, जो जहाँ है वहीं रोक लिया जाए। डंटा से बात करते हैं, बोले भी आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम सुशील कुमार हुआ। जो वर्तमान यहाँ विधायक बशीर सिंह रह चुके हैं, कोई आपके गांव में क्या विकास किए हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे गांव में जितने लंबे समय तक रहे हैं, अभी पहली नंबर तो आज तक उनका यहाँ आगमन नहीं हुआ, और मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आज़ादी से लेकर के आज तक हमारे गांव में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं वृक्ष होली, ये पंचायती राज व्यवस्था से अभी फिलहाल हुआ है। ऐसे अब रही बात विकास की, तो हमारे यहां ही नहीं, ये 15 साल में नीतीश सरकार या हमारे स्थानीय विधायक विकास के नाम पर खानापूर्ति केवल किए हैं। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये 15 साल बनाम लोकतंत्र का रक्षा करने का समय आया है। 15 साल सरकार चला करके और अपने आप को सुशासन बाबू कहलाने का जो लक्ष्य रख रहे हैं, तो ये स्पष्ट है कि हम समझते हैं कि ये सुशासन का राज नहीं है, लोकतंत्र का रक्षा करना है, और जनता भी जागरूक है, बदलाव का लहर है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए हम आगे, अब चलते हैं, उनसे बात करते हैं जी। जो यहाँ मान लीजिए आपको, आप कौन से, आपका नाम क्या पड़ेगा सर? मोतीलाल सिंह। जो आपको मान लीजिए आप कौन से दलित परिवार से, कोई कौन से परिवार से, बताइएगा। यादव परिवार। यादव परिवार से। क्या आपको कुछ नीतीश व्यवस्था में, नीतीश सरकार में कोई आपको राशन वासन तो मिलती है कि नहीं? राशन तो मिलता है। कितना मिलता है? 20 किलो। पैसा लिया जाता है या फ्री में? पैसा दोनों लिया जाता है, दोनों फ्री और पैसा भी लेते हैं। तो नीतीश सरकार जो 15 साल रहे आपके क्षेत्र में या आपके गांव में, कोई विकास तो किया है? नहीं, विकास तो कहाँ कर पाए आज तक, हम लोग गांव में आज तक ढलैया भी नहीं हुआ है कि हम लोग जब बरसात होता है तो वहाँ जाने जाने में बहुत दिक्कत होता है। जो वर्तमान विधायक है बशीर सिंह, जो आपको क्षेत्र में कभी आए हैं, नहीं आए, क्या विकास के कुछ काम किए? बशीर जी भी आज तक भी हम लोग के क्षेत्र के विधायक ही हैं, लेकिन फिर भी आज तक
एक गांव में आज 5 साल के अंदर में काम भी नहीं किया कुछ भी। वहाँ का ठोड़सन में काम कर विधायक जी के यार देखे के बाद जाके देख ले नली गली भी नहीं बनवा पाए ठोड़सन में काम कर विधायक जी तब से हम लोग चाहे जाए जीवन में है इतना जोड़ ले दूसर का खेल चलिए हम इनसे बात करते हैं। बाबा आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम पार्थनाथ सिंह। विधायक हमारे इतना काम किए ठोड़सन में सगरे का पैसा ले जाकर के वहीं फंसा कर काम और किधर नहीं काम किया है। देखिए एक सिवन से नहर पकड़ कर फिर सिवन घुमा कर दिए बस इतना ही काम किए और आगे आगे कोई विकास का काम बसी नहीं है। नहीं देखा ला लीजिए हम लोग कहीं भी रुक रहा है आपके नज़र से देखिए है कहीं यहाँ से इधर देख लीजिए कहीं है चारों तरफ विधायक बाबू का जो दिन है उनके सामने है जितना लोग हर स्टेट के जाके कोरोना में फंस करके किस किस तरह से अपने घर आया है तो सबको मालूम है। तो आप लोग करागर विधानसभा में विधायक चेंजिंग चाहते हैं? हाँ चेंजिंग एकदम सवाल नहीं है और चेंजिंग हो रहा है। हो जाएगा बाकी नहीं रहेगा। तो आप लोग करागर विधानसभा में इस बार किसे विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? हम लोग संतोष मिश्रा को हम लोग देखना चाहते हैं। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।